अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। फतेहपुर नारायण गांव में 6 दिन बीत जाने के बाद भी तेंदुआ परिवार वन विभाग के अधिकारियों की पकड़ से दूर है, जिस कारण ग्रामीणों में भय और रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि गुरुवार को एक और पिंजरा गाजियाबाद से फतेहपुर गांव में दोपहर 2 बजे पहुंच गया है, लेकिन कोई भी अधिकारी उसे लगाने के लिए नहीं पहुंच सका, जिससे पिंजरा रात भर गाड़ी में रखा रहा। वहीं ग्रामीणों ने पूछने पर बताया कि अधिकारियों के आने पर ही पिंजरा लगाया जाएगा, तीसरा पिंजरा लगाने को लेकर अभी कोई निर्देश नहीं आए हैं। वन विभाग की प्लानिंग के साथ ही तेंदुए का परिवार स्थान बदल रहा है। अब असीलपुर भड़ौली के खेतों में स्थित एक मिट्टी के टीले पर तेंदुआ परिवार देखा गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ होने की सूचना असीलपुर और भड़ौली गांव में आग की तरह फैल गई। ग्रामीण संदीप, विकास, विक्रांत, अतुल, यासिन आदि ग्रामीणों का आरोप है कि गुरुवार को पूरे दिन मात्र 4 कर्मचारी ही तेंदुआ ऑपरेशन के नाम पर मौजूद रहे। उनका कहना है कि वन विभाग शायद किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। बता दें कि गत 6 दिनों से फतेहपुर गांव में तेंदुआ देखा जा रहा है। मंगलवार को 3 तेंदुओं की पुष्टि के बाद लोगों में दहशत व्याप्त हो गई है। वन विभाग की टीम ने बकरी के साथ 2 पिंजरे लगाए, लेकिन तेंदुआ पिंजरे में नहीं फंस पाया। टीले पर मिले पद चिन्हों को फोटो भेजकर वन विशेषज्ञों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पद चिन्ह 2 मादा तेंदुआ जबकि 1 नर तेंदुआ के हैं, जिसमें 1 मादा तेंदुआ छोटा है। उन्होंने बताया कि कोई भी कुत्ता प्रजाति का जानवर टीले पर चढ़कर नहीं बैठता, टीले पर तेंदुआ बैठना पसंद करता है। फतेहपुर से पैदल लौट रहे बच्चों व भट्टे के कर्मचारी शमशाद ने टीले पर तेंदुए को बैठा देखा था। ग्रामीणों को देख तो तेंदुए ने दूर निकल गए, जबकि 1 टीले पर बैठा रहा।